Visitaron la Brea y Subhadir Nandu, Karnataka, Janate ke Hardik Subhasayagalu. Sadhguru Sri Siddharadaru Ashirvad Nammellarigu Praptavagali. Manyavara Rajman Bharatiya Janata Party ke sabhi varishtha netagan आज भूमि में पधारे हुए लाखों लाखों भारत भाग्य दाता भाइयों बहनों, मेरी नजर जहां तक पहुंचती है लोग ही लोग नजर आते हैं। केसरिया समंदर लहरा रहा है, ऐसा नजारा देखना ये भी एक बहुत बड़ा सौभाग्य होता है। भाई बहनों, चुनाव तो बहुत देखे, जनसभाएं भी बहुत देखी, लोगों का उमंग उत्साह भी देखा है, लेकिन इन दिनों मैं देख रहा हूं पूरे देश में एक आंधी चल रही है, आंधी चल रही है, और अभी तो चुनाव घोषित नहीं हुए हैं। और चुनाव घोषित होने से पहले अगर ऐसी आंधी चल रही है तो चुनाव आते आते ये सुनामी में बदल जाएगी। और तब कांग्रेस का बचना मुश्किल हो जाएगा। भाई बहनों, ये ऐसा चुनाव है जो कोई राजनीतिक दल नहीं लड़ रहा है, ये ऐसा चुनाव है जो कोई राजनेता नहीं लड़ रहा है, ऐसा चुनाव है जो देश के कोटि कोटि नागरिक लड़ रहे हैं। भारत की प्रणाली को देख करके परेशान देश का नागरिक परिवर्तन का संकल्प लेकर के ये चुनाव लड़ रहा है। ज्यादातर चुनावों के नतीजे मतदान होने के बाद, गिनती होने के बाद आते हैं। ये पहला चुनाव ऐसा है कि जिसमें चुनाव घोषित होने से पहले जनता जनार्दन ने आशीर्वाद के रूप में अपना परिणाम घोषित कर दिया। Thank you.
करते रहते हैं। अगर पॉइंट 1% वोट बढ़ा तो कहां जाएगा, पॉइंट 2% बढ़ा तो कहां जाएगा, पॉइंट 0.005% अगर माइनस हुआ तो क्या होगा। बहुत सारे पॉलिटिकल पंडित देश के और दुनिया के जोड़ तोड़ में लगे हुए हैं। जो लोग एरिथमेटिक से चुनाव का हिसाब किताब लगाएंगे वो फेल हो जाएंगे, वो नापास हो जाएंगे। ये चुनाव न एरिथमेटिक वाला है न मैथमेटिक वाला है, ये चुनाव केमिस्ट्री वाला है। एक ऐसा समन्वय बन गया है जो जात पात से ऊपर उठ चुका है, प्रादेशिक भावनाओं से ऊपर उठ चुका है, अपने पराये भाव से ऊपर उठ चुका है। ये चुनाव भारत के भाग्य को बदलने के लिए हो रहा है। एक नई आशा लेकर के चुनाव आया है, एक नया विश्वास लेकर के चुनाव आया है। और इसलिए भाइयों बहनों, इस चुनाव को सामान्य नहीं समझा जा सकता। और पहली बार ये चुनाव ऐसा है कि जिसमें ज्यादातर लोग वो नेतृत्व कर रहे हैं जिनका जन्म आजादी के बाद हुआ है। पहली बार ऐसा हो रहा है, ये पहला चुनाव ऐसा हो रहा है जिसका नेतृत्व करने वाले लोग आजाद हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, जिन्होंने सिर्फ आजादी का विश्वास लिया है। ऐसे लोग इस चुनाव में जनता जनार्दन के साथ संवाद कर रहे हैं। भाई बहनों, ये भारत का लोकतंत्र उस लोकतंत्र का सामर्थ्य लेगी है। और एक एक घटना ऐसी घटती है कि लोकतंत्र में हमारा विश्वास और मजबूत होता जा रहा है। पूरे विश्व के लिए यह चुनाव एक अभ्यास का विषय है, केस स्टडी का विषय है कि भारत का लोकतंत्र कितना पुख्त हुआ है, कितना मजबूत हुआ है, भारत का मतदाता कितना सुलझा हुआ है। ये चुनाव में भली भांति समझा जा सकता है। अगर भारत में लोकतंत्र की जड़ें इतनी गहरी न होती, इतनी मजबूत न होती, तो रेल के डिब्बे में चाय बेचने वाला बच्चा आज आपके सामने खड़ा। मैं कभी मेरे बचपन की तरफ देखता हूं तो मुझे हैरानी होती है कि एक बार जो अड़ोस पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करती थी,
पानी भरती थी, जिसका बेटा चाय बेचता था, आज भारत की जनता उसे इतना प्यार दे रही है। ये हिंदुस्तान के लोकतंत्र का गौरवगान है। हमारे से भाइयों बहनों, मैं 1,500 करोड़ देशवासियों का जितना अभिनंदन करूं उतना कम है, जितना ऋण स्वीकार करूं उतना कम है। और भाइयों बहनों, आप तो जानते हैं जो गरीबी में पला होता है, जो कठिनाइयों से गुजरता है, उसको अगर थोड़ा सा भी प्यार मिल जाए तो वो आपके लिए जीवन खपा लेता है। हमने कहीं टैक्सी किराए पर ली हो और वो ड्राइवर को शाम को जाते समय कहते हैं कि कल सुबह जल्दी आ जाना और हम ड्राइवर को कहते हैं कि भाई टैक्सी किराए पर ली है, ड्राइवर हमारी पहचान वाला नहीं है, लेकिन उनको कहते हैं कल सुबह आ जाना और लोग 10 रुपया लेते हैं और बच्चों के लिए मिठाई भर लेते जाना। आप देखना 5 दिन 7 दिन आपने टैक्सी की होगी ना, वो ड्राइवर 7 बजे के बदले 6 बजे आ जाएगा। आपने जो प्यार दिखाया वो इतनी मेहनत करके अपना प्यार लौटाएगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। गरीबी में पला बड़ा एक सामान्य परिवार का संतान, जब आप मुझे इतना प्यार दे रहे हो तो भाइयों बहनों, मेरा भी संस्कार है, मेरा भी मन करता है कि मेरा एक एक पल, शरीर का एक एक कण आपके चरणों में न्योछावर कर दो, आपके चरणों में समर्पित कर दो। जो प्यार आपने दिया है उस प्यार के बदले में आपकी सेवा ऐसी करूं, आपने दुखों को ऐसे दूर करो, आपकी कठिनाइयों से मुक्ति दिलाओ ताकि मेरा जीवन धन्य हो जाए, ये सपना लेकर के मैं सेवा करता। भाई बहनों, देश में शासक तो बहुत देखे, राजा महाराजाओं के जमाने में भी शासक देखे हैं और लोकतंत्र में चुने गए जनप्रतिनिधियों का भी शासक रूप देखा है। बहुत हो चुका भाइयों, बहुत हो चुका। 60 साल बहुत हो गए, अब देश को शासक नहीं चाहिए, देश को सेवक चाहिए, सेवक चाहिए। आप बताइए भाइयों, क्या चाहिए आपको? जरा जोर से बोलिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए आपको? शासकों से मुक्ति चाहिए? आप शासकों से मुक्ति करेंगे? सेवा का हाजिर है। भाइयों बहनों,
आपने देख लिया है देश कैसा चला है, किस प्रकार से चला है, कैसे लोगों ने चलाया है, किसके लिए चलाया है, ये सब देख लिया है। भाइयों बहनों, मैं आपको अपने मन के भाव कहना चाहता हूं। आपने 60 साल दिए हैं ना, वो तो वापस आने वाले नहीं है ना, जरा बताओ। जो 60 साल गए वो तो गए ना, वो वापस नहीं आने वाले ना। क्या और ज्यादा साल बर्बाद हो आपको मंजूर है? और ज्यादा बर्बादी आप इंतजाते हैं? और आप तो एक एक दिन बर्बाद हो ऐसा चाहते हो? नहीं चाहते हो ना भाइयों बहनों, 60 साल दे चुके हैं मुझे 60 महीने पर लेकर के देखो। और मैं देश की जनता को विश्वास दिलाता हूं उनके 60 साल मेरे 60 महीने। भाई बहनों, आपने वादे बहुत सुन लिए, वादे करने वाले लोगों को मैं बहुत जान लिया, पहचान लिया, परख लिया। अब देश वादों से उठ चुका है, देश वादों से तंग आ चुका है, देश को किसी के वादे में भरोसा नहीं है। आपको है? आपको है वादों पर किसी का भरोसा नहीं है। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं वादे भी इरादे लेकर के आया। अगर मकसद है मरना साफ, अगर इरादे हैं नेक और जीवन कमाने की अगर तैयारी है तो पत्थर पलात मार करके भी पानी पैदा किया जा सकता है। भाइयों बहनों, हवा कैसी बदल रही है, मुझे यहां बताया कि यहां के किसानों ने अपना खेत दे दिया इस कार्यक्रम के लिए। मैं उन किसानों का आभारी हूं, वरना इतनी बड़ी रैली कहां पर करते थे। और जो किसान मैदान देता है वो जी भर करके मत भी देता है। यही तो रुख बनना है, यही तो संकेत है, यही तो आसार है। भाई बहनों, हम लोगों के जीवन में हुई का बड़ा विशेष स्थान रहा है, क्योंकि ये वो जगह है जहां हमारे जगन्नाथ राव जोशी को कर्नाटक केसरी जगन्नाथ राव जोशी की हमें प्रेरणा मिलती है। ये वो ही हुई है जहां भावराव देशपांडे जी का स्मरण आता है। इन लोगों ने अपना जीवन खपा दिया था देश और समाज के लिए, ऐसे लोगों के बीच मुझे बैठने का सौभाग्य मिला है जिन्होंने इन महापुरुषों की उंगली पकड़ करके काम किया। और इसलिए भाइयों ना, उंगली को एक नई प्रेरणा देता है, नया उमंग देता है, नया उत्साह देता है। भाई जो मैं देख रहा हूं कर्नाटक में एक कॉम्पिटिशन चल रही है, पार्टी के भीतर ही एक बड़ी जबरदस्त स्पर्धा चल रही है। एक रैली होने के बाद दूसरे वाला सोचता है पहले वाले से बड़ी करूंगा, दूसरे रैली वाला सोचता है मैं दूसरे नंबर पे मैं आगे चला जाऊंगा। और आज मैं देखता हूं एक के बाद एक पहले से
भी बढ़ करके आगे बढ़ने का प्रयास ये कर्नाटक की धरती पर देखने को मिल रहा है। भाई बहनों, अभी कांग्रेस के नेता आपके कर्नाटक में आए थे, और आजकल एक कांग्रेस के नेताओं का भाषण देखिए आप, वो ऐसे भाषण कर रहे हैं जैसे वो मंगल ग्रह से आए हो। जैसे पहली बार आए हैं, ये जो भी पाप है बुराइयां कोई और कर रहा है उस रूप में बातें कर रहे हैं। भाइयों बहनों, ऐसे गैर जिम्मेवार लोग भगवान बचाए दुनिया के किसी देश को नहीं है। जैसे कुछ हुआ ही नहीं, कुछ होता ही नहीं, मैं हैरान हूं यह है नेताजी आकर महिलाओं के सबको भाषण देने के लिए। ऐसे ही जैसे सरकार किसी और की हो, किसी और देश से आए हो और बातें जब ऐसे कर दिए गए, भाई बहनों इससे बड़ा गैर जिम्मेवारी का कोई कारण नहीं हो सकता। भाई बहनों, मैं जरा उनको आज ललकारना चाहता हूं धरती पर। भाइयों बहनों, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तब इस देश में महिलाएं सबसे ज्यादा सुरक्षित थी, तब महिलाएं सबसे ज्यादा सम्मानित थी और तब महिलाएं गौरव है अपना जीवन यापन करती थी। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार का एक मंत्र, आओ स्कूल चले, तीन शब्द थे आओ स्कूल चले और हिंदुस्तान की बेटियां स्कूल में जाना शुरू कर दिया और करीब करीब सभी राज्यों में कन्या शिक्षा का आंदोलन खड़ा हो गया। भाइयों बहनों, जब मैं कभी गुजरात की बात करता हूं तो लोगों को अजूबा लगता है कि हिंदुस्तान का कोई राज्य है कि नहीं, ऐसा सवाल पूछते हैं। हमारे यहां गिर फॉरेस्ट है, गिर के जंगल है। हमने एक बार निर्णय किया कि हमारे गिर के जंगल में लायन है, शेर है और बब्बर शेर है, मामूली नहीं, वो सर्कस वाले हैं, वो पीने वाले हैं, वो दहाड़ते हैं तो दुनिया को दहाड़ देते हैं। हमने तय किया कि जंगलों में इन शेरों की रक्षा के लिए महिला गार्ड को हम पसंद करें। सैकड़ों की तादाद में हमने लड़कियों को ट्रेनिंग दी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को उनको लगाया और भाई बहनों, आप अगर कभी गिर के लायन देखने जाएंगे तो शेरनी की तरह वो बच्चियां शेरों की रक्षा करती हुई नजर आती है। हमारी माता और बहनों में इतना सामर्थ्य है, शक्ति है, हम उन पर भरोसा करें और अगर हम भरोसा करते हैं तो हमारी माता और बहनें देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान कर सकती है। भाई बहनों, ये दिल्ली जहां कितनी सारी सरकारें हैं, कोई सरकारों की कमी नहीं है, भारत सरकार वहां बैठी है, दिल्ली सरकार वहां बैठी है, लेकिन हिंदुस्तान में महिलाओं के खिलाफ सबसे ज्यादा क्राइम मैडम सोनिया जी, आपके नाक नीचे होते हैं,
प्रतिशत रेट है उनका 70%। और भाई बहनों, मुझे जिस गुजरात की सेवा करने का लोगों ने मौका दिया है, वहां पर हिंदुस्तान में कम से कम और दिल्ली से आधे से भी कम ये स्थिति हमने पैदा की है। और इतना ही नहीं, सारे हिंदुस्तान में जहां कांग्रेस की सरकारें हैं वहां औसत 50% से ऊपर टोटल जो बुनियादी होते हैं उनमें कांग्रेस शासित राज्य जा रहे हैं। ये मंगल ग्रह से पहुंचे हुए नेता है, ये महिलाओं की बातें करते समय जब आपने राज्यों को देखो तो सही क्या हाँ करके रखा है वहां महिलाओं का, उनको इनकी जरा भी चिंता नहीं है। भाई बहनों, दिल्ली में महिलाओं के कितने में प्रति 1 लाख में 25% भी ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा रेट दिल्ली के अंदर है। भाई बहनों, अगर दिल्ली में महिलाओं का इन दिनों एलपीजी सिलेंडर एक बार क्या बाजार बना दिए उन्होंने, देश भर के कांग्रेस के नेता गए थे दिल्ली में, देश भर से उनको बताया गया था कि कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार तय होंगे, वो बेचारे यहां से नारे बोलते बोलते प्रधानमंत्री को लेने गए थे और मिला क्या, 3 सिलेंडर प्रधानमंत्री ले गए और 3 गैस के सिलेंडर लेके वापस आए। मैं लोगों के मित्रों से पूछना था कि आप महिलाओं के जीवन की बात करते हो, भाई जो बहनों आपको हैरानी होगी, कांग्रेस के 40 साल के कालखंड में हिंदुस्तान में 3.37 करोड़ यानी 3,37,00,000 लोगों के यहां गैस सिलेंडर के कनेक्शन दिए गए थे 40 साल में। ये महिलाओं की चिंता करने वालों का ये पराक्रम देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने सिर्फ 5 वर्ष में 3,92,00,000 मतलब की करीब करीब 4 करोड़ गैस सिलेंडर के कनेक्शन दिए। 40 साल आपने 5 साल अंदर दिए, और इसलिए मैं कहता हूं आपके 7 साल मेरे 60 महीने। इतना नहीं नहीं भाई बहनों, मैं अभी पूछ रहा था हमारे प्रदेश के नेताओं से, मैंने कहा कर्नाटक में कहीं पर पाइपलाइन से गैस मिलता है क्या, मिलता है क्या, जैसे घर में पानी की पाइप होती है और नलके से पानी आता है, ऐसा कर्नाटक में होता है क्या, होता है क्या, नहीं होता है ना। अपना एक गुजरात नाम का प्रदेश है, हिंदुस्तान नहीं है। मैं किसी विदेश की बात नहीं कर रहा हूं, अफ्रीका गुजरात वहां पर लाखों घरों में पाइपलाइन से गैस पहुंचाया जाता है, ये दिल्ली में बैठे हुए लोग नौ और मारा की चर्चा में से ऊपर नहीं उड़ रहे। महिलाओं के संबंध में सोचने की बात करने वाले लोग कहां पर खड़े हैं इसका आप अंदाज कर सकते हो। भाई बहनों, पूरे देश में यूपीए के समय में जो पूर्ण रोजगार दिया गया महिलाओं को सिर्फ 2% मिला है, जबकि भाइयों गुजरात में हमने स्थिति 50% मेंटेन की है। 50% हमने स्किल डेवलपमेंट अभियान चलाया, जितनी मात्रा में पुरुष लाभ ले रहे हैं
इतनी ही मात्रा में महिलाएं लाभ ले रही है। अगर भाई बहनों हमें इरादा लेकर के चलते हैं कि हमें हमारे देश की माताओं बहनों को, हमारी नारी शक्ति को भारत के विकास में हिस्सेदार बनाना है, तो हमें उनके अवसर देना होगा, उनका सम्मान करना होगा, उनके लिए सुरक्षा की गारंटी देनी पड़ेगी। और भाई बहनों समाज सुरक्षा का मानदंड ये होता है कि वहां माता बहने के लिए सुरक्षित है, उसके आधार पर निर्णय होता है। हमारी माता बहनों का गौरव, उनका सम्मान ये हमारी प्राथमिकता हो, उस दिशा में हमको आगे बढ़ना होगा। भाई बहनों हमारे देश के किसान का क्या हाल है? मैं कह रहा हूं ये दिल्ली सरकार में सचमुच में मुझे पता नहीं चल रहा है, कभी कांग्रेस के लोगों को पूछो है कि मैं आखिरकार तुम सरकार चलाते क्यों, चुनाव लड़ते क्यों, जीतने का प्रयास क्यों करते, जीत करके गांधी पर बैठते किस काम के लिए बैठ, पूछो तो नहीं भाई, पूछोगे अंदर? अरे पूछो, मैं इसलिए कह रहा हूं भाइयों, मुझे बताइए हमारे इस उमली इलाके में मिट्टी की खेती नहीं होती है? होती है ना, क्या ये मिट्टी का उपयोग पार्लियामेंट में लोगों के आंखों में जोड़ने के लिए होता है क्या? नहीं, पूरी खाने मिट्टी तैयार करता है क्या? नहीं, पार्लियामेंट में मिट्टी आंख में जोड़ने के लिए बनता है? भाइयों बहनों अगर हमें हमारे किसान के जीवन को बदलना है तो आवश्यकता है मूल्य वृद्धि पर बल दिया जाए, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री पर बल दिया जाए, एग्रो प्रोसेसिंग होना चाहिए। हमारा किसान तब तक सुखी नहीं होगा जब तक हम एग्रीकल्चर सेक्टर में वैल्यू एडिशन मूल्य वृद्धि पर बल नहीं देते हैं। अगर किसान टमाटर पैदा करता है, टमाटर बेचता है तो पैसे कम आते हैं, 30% बिगड़ जाता है, सड़ जाता है, लेकिन उसी टमाटर का अगर केचप बना दें, उस केचप को बढ़िया बोतल में भर दें तो पैसा ज्यादा मिलता है, और उसमें भी कोई नकली उस बोतल को पकड़ के खड़ी हो जाए तो डबल पैसा मिल जाता है। ब्रांडिंग होता है, एडवर्टाइजिंग होता है, ज्यादा मिलता है। हमारा किसान हरी मिर्ची बेचेगा कम पैसा मिलता है, लाल मिर्ची बेचेगा तो ज्यादा मिलता है, लेकिन लाल मिर्ची को भी अगर प्रोसेस करके पाउडर करके पैक करके बेचेगा तो दुनिया के बाजार में उंगली की मिर्ची बिकने की ताकत रखती है। एक तरफ हमारे देश का रुपया लुढ़क रहा है, रुपये की कीमत गिरती चली जा रही है, जब अटल जी की सरकार थी तो रुपया 40-42 रुपए की ताकत रखता था एक डॉलर के सामने, और ये वर्तमान अर्थशास्त्रियों की सरकार में डॉलर के सामने रुपया गिरता गिरता 60-65 गिरता ही चला गया। कारण क्या? तो करंट अकाउंट डेफिसिट। करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब क्या? इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है, एक्सपोर्ट कम हो रहा है, यह असमान के कारण स्थिति पैदा होती है। इसका मतलब ये हुआ कि समझदार सरकार का काम है कि अपना एक्सपोर्ट बढ़ाए, एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए हमारी यहां की चीनी, हमारी मिर्ची, इसका एक्सपोर्ट हो सकता है, लेकिन यहां जो प्रोसेसिंग यूनिट डालना है मामूली खर्चा है, 1000 करोड़ से ज्यादा नहीं होगा। लेकिन दिल्ली की सरकार बैठी की सरकार इनको हुगली के किसानों की परवाह नहीं है, ताकि उनकी जो लाल मिर्च है, इनकी जो लाल मिर्च में से पाउडर बनने का प्रोसेसिंग का जो काम होना चाहिए, उनकी मिर्ची को संभालने के लिए जो कोई जरूरत होना चाहिए
उसकी व्यवस्था नहीं हो रही है और उसके कारण मेरे किसान का पका पकाया था मिर्ची बर्बाद हो जाता है। देश के किसान को क्या चाहिए? अगर उसको बिजली मिले, पानी मिले तो उसमें खेती करके देश के भंडार भर सकता है और देश के भंडार ही नहीं देश की तिजोरी भी भर सकता है। लेकिन हम बिजली का हाल क्या है? बिजली भी मिलती है? जरा बोलो तो मिलती नहीं है। क्यों हाल है सर हुआ भाई? मनो जब मैं लोगों को कहता हूं कि गुजरात में 24 घंटे बिजली भी मिलती है तो लोग मुझे पूछते हैं हफ्ते में मैं कितने दिन, मैं कहता हूं भाई हफ्ते में कितने दिन नहीं रोज तो पूरे साल में कितने, मैं कहता हूं 365 दिन। लोगों को गले नहीं उतर रहा है, ऐसा हो सकता है भाई? आज गुजरात के पास बिजली सरप्लस है, मैं कर्नाटक को बिजली देने को तैयार हूं लेकिन बिजली ले जाने के लिए जो तार लगने चाहिए भारत सरकार तार नहीं लगा पा रही, तार नहीं लगा पा रही और इसे आपको अंधेरे में जीने के लिए मजबूर कर रही है। भाई बहनों, किसान के जीवन में बदलाव लाने के लिए हमारा जो कृषि क्षेत्र है उस कृषि क्षेत्र को 3 हिस्सों में बांटने की आवश्यकता है। बनफर जो रेगुलर हम खेती करते हो, बनफर एनिमल हस्बेंड्री दूध उत्पादन मछली अंडे इन इनकामों को बल दिया जाए और बनफर जहां हमारा खेत पूरा होता है सीमा पूरी होती है खेत की बॉर्डर पर टिम्बर ग्रो किया जाए, वो पेड़ ग्रो किए जाए जिस तरह से टिम्बर तैयार होता है। आज हम क्या कर रहे हैं? एक खेत और दूसरे खेत के बीच में इतनी बड़ी बात कर देते हैं, काफी जमीन वेस्ट कर देते हैं। आज हिंदुस्तान अरबों खरबों रुपये का टिम्बर इंपोर्ट करना है। अगर हमारा किसान अपने खेत के किनारे पर अगर सिर्फ टिम्बर के पेड़ लगा ले और 15-20 साल तक जब बड़े हो जाए बेच ले, बेटी की शादी करने का खर्चा एक एक पेड़ में से निकल जाता है, इतनी लाभदायक है। अगर वो पशुपालन करे, वो मछली पालन करे, वो अंडे की चिंता करे तो उसकी आय में वृद्धि होती है। आज हमारे देश में मिल्क प्रोडक्शन का बहुत बड़ा स्कोप है, उस पर बल दे सकते हैं और एक दिहाई में वो खेती करें, जो रोजमर्रा की उसकी आमदनी है उस प्रकार की फसल पैदा करे, बाजार में जाए, कभी अगर सूखा आ गया मुसीबत आ गई, कभी दाम गिर गए तो किसान कभी बर्बाद नहीं होगा, कभी उसे वो उसकी जिंदगी को बचा लेंगे, कभी पशुपालन उसकी जिंदगी को बचा लेगा। हमने हमारे कृषि क्षेत्र को वैज्ञानिक तरीके से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। देश की सरकार की जिम्मेवारी है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर को प्राथमिकता दी जाए, इरिगेशन के काम कैसे पूरे हो, खेतों में पानी कैसे पहुंचे, नदियों को जोड़ने का काम कैसे हो। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सपना देखा था हिंदुस्तान की नदियों को जोड़ने का, रिवर गेट का एक टास्क फोर्स बनाया था, टास्क फोर्स ने बहुत बड़ा काम किया था। ये सरकार ऐसी खेत विरोधी सरकार आ गई, किसान विरोधी सरकार आ गई, जिसने उस सारे काम को बंद कर लिया, आखिरकार भी सुप्रीम कोर्ट ने डंडा मारा, वो काम बंद क्यों किया है और अभी उन्होंने फाइल खोली है। अगर देश की नदियों को जोड़ दिया जाए तो जहां बाढ़ आती है वहां बाढ़ आना बंद हो जाएगा, जहां सूखा पड़ा है वहां सूखा पड़ना बंद हो जाएगा, पूर्व और पश्चिम उत्तर हो दक्षिण हिंदुस्तान का हर खेत हरा भरा रहेगा, हमारे किसान की जेब भरी भरी रहेगी और उसी दिशा में हमारा काम है। लेकिन भाई बहनों, न उनको किसान की परवाह है, न उन्हें नौजवान की परवाह है, न उनको माता और बहनों की परवाह है, न उनकी थाली में रोटी है, उनकी चिंता है। महंगाई जिस प्रकार से बढ़ी है और इसी का अहंकार देखो, कांग्रेस पार्टी के नेताओं का अहंकार देखो,
देश की जनता को जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। इतनी महंगाई बढ़ी है, इतनी महंगाई बढ़ी है, गरीब के घर में शाम को चूल्हा नहीं जल रहा है, बच्चे रात रात रोते हैं, आंसू पी के सो रहे हैं। मैडम सोनिया जी, अब तो मां है मां, कभी तो दो वेदना के शब्द प्रकट कीजिए कि महंगाई के कारण गरीबों पर जो मुसीबत आई है उसके लिए दो शब्द संवेदना के बोलिए, नहीं बोल रहे। महंगाई के लिए कांग्रेस के मुंह पर ताला लग गया है, देश की जनता को वादा किया था 100 दिन में महंगाई दूर करेंगे, नहीं कर पाए। और नौजवान भाई सुनो, गरीब के घर में चूल्हा नहीं जल रहा है, ऐसी सरकार इस देश पर बोझ बन गई है। आज मैं आप सबसे अनुरोध करने आया हूं, ये विशाल जनसागर कोई कोरोना ऐसा नहीं है भाई, जहां तो मुंड नजर आ रहे हो, यह भारत को कांग्रेस मुक्त बनाने का सपना साकार कर रहा है। समस्याओं से मुक्ति पानी है तो कांग्रेस से मुक्ति ले ली होगी। भाई जो बहनों, महात्मा गांधी का एक सपना अधूरा है, महात्मा गांधी की एक इच्छा अधूरी है, पूरी करेंगे सबके सब बोलो ना, महात्मा गांधी की इच्छा पूरी करोगे? लेकिन आपको पता है गांधी जी का ऐसे ही कहते करेंगे। भाई बहनों, जीवन के अंतकाल में महात्मा गांधी ने इच्छा प्रकट की थी और उन्होंने कहा था अब आजादी मिल चुकी है, अब कांग्रेस की जरूरत नहीं है, इस कांग्रेस पार्टी को बिखेर दो। गांधी के जीवन की अंतिम इच्छा थी कांग्रेस को बिखेर दो, कांग्रेस को ताना लगा दो, ये काम अधूरा है, पब्लिक के लोग पूरा करोगे? पूरा करोगे? गांधी की इच्छा पूरी करोगे? पूरे कर्नाटक में करोगे? पूरे हिंदुस्तान में करोगे? हमेशा हमेशा के लिए करोगे? भाई बहनों, गांधी के सपने को पूरा करने के लिए ही भारतीय जनता पार्टी आपके पास आई है, कांग्रेस मुक्त भारत। कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का काम, गांधी जी की इच्छा पूरी करने का काम ये नई पीढ़ी के जिम्मे है, इसको हम सब पूरा करें। इसी एक अपेक्षा के साथ भाई बहनों, हम एक नए संकल्प के साथ, नए उम्मीद के साथ, नई आशा के साथ, नए उत्साह के साथ, नई सोच के साथ, नई उम्मीद के साथ भारत के 60 साल के पुराने सारे सपनों को पूर्ण करने के लिए एक संकल्प लेकर के आगे बढ़े, भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करें। और कुछ लोग भ्रम फैलाते हैं, आजकल मेरी फोटो कोई भी उपयोग कर लेता है। भाई बहनों, मोदी कुछ नहीं है, जो कुछ भी है वो कमल है, कमल। अरे कांग्रेस के लोग जितना कीचड़ उछालोगे कमल उतना ही ज्यादा खिलेगा, कांग्रेस के लोग जितना कीचड़ फेंकेंगे उतना ही ज्यादा कमल खिलने वाला है। और भाई जो बहनों, जहां कमल होता है वहीं पर लक्ष्मी जी विराजित होती है, और जहां लक्ष्मी जी विराजित होती है वहीं पर समृद्धि आने की शुरुआत होती है। बिना लक्ष्मी जी को समृद्धि संभव नहीं है, और बिना कमल को लक्ष्मी जी के बैठने की कहीं जगह नहीं होती है। और इसलिए भाइयों बहनों, हम पूरे देश में से कमल भेजेंगे,
हर कौशल से कलम भेजिए, मैं लक्ष्मी भेजने की गारंटी देता। भाई बहनों, फिर एक बार आज भूलने ने जो गुलाब दिखाया है, मेरे जीवन का एक चीर स्मरणीय घटना रहेगी। मुझे बताया गया आप 3 घंटे में बैठे, 3 घंटे से इतनी धूप में तपस्या, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी तपस्या मैं कभी बेकार नहीं जाने दूंगा। बंद करके पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की। देखिए हमारे कैमरा वाले आपकी फोटो लेने वाले हैं, मेरे समान लोग, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भाई बहनों मेरे साथ नारा बोलेंगे, मैं कहूंगा उसका जवाब देंगे, आपको जवाब देना है वोट फॉर इंडिया, ठीक है, बहुत समाज से मुक्ति के लिए, बहुत फॉर इंडिया बोलिए आप, बहुत समाज से मुक्ति के लिए, गरीबी से मुक्ति के लिए, भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए, नौजवान को रोजगार के लिए, गरीब को भूख के लिए, बीमार को दवाई के लिए, नौजवान को रोजगार के लिए, ಎನ್ಎಂಆರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು, ಮುರುಗೇಶ್ ನಿರಾಣಿ ಅವರು, ಲಿಂಗರಾಜ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಸೇರಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಬೇಕಂತೇಳಿ ಅವರವರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಂತಿದ್ದೇನೆ. ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಆಫ್ ಯುನಿಟಿಗೆ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಚಿತ್ರದ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಮುರುಗೇಶ್ ನಿರಾಣಿ ಅವರು, ಎಂಆರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಲಿಂಗರಾಜ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪರವಾಗಿ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ ಮಾತಾ ಕೀ, ಉಕ್ಕಿನ ಮನುಷ್ಯ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರಿಗೆ. ಎಂಆರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನಾವು ಅವರು ಕೇಳ್ಕೊಂಡ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಂಆರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಈ ಗಂಡುಪೆಟ್ಟಿನ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಗೆದ್ದಿ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಸಿಂಗಾಚಾರ್ಯ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ ನಮ್ಮ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಾದ ಉಪವಿಧಾನದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಅವರಿಗೆ ಹೃದಯ ಪೂರ್ವ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಜ್ಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯುವಕ ಕನ್ನಡಿಗರಾದ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರಿಗೂ, ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಅನಂತಕುಮಾರ್ ಅವರು, ರಾಜ್ಯದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ರೈತ ನಾಯಕರಾದ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ನಾಯಕರಾದಂತಹ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರಿಗೂ, ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಡಿ ಸದಾನಂದ ಗೌಡರಿಗೂ, ಕೆ ಎಸ್ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಅವರಿಗೂ, ಅನಂತ ಮಂಡಳಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ.